आज हम पढ़ेंगे क्यूबन मिसाइल क्राइसिस के बारे में। क्यूबन मिसाइल क्राइसिस 1962 में स्टार्ट हुई थी और ये टू कंट्रीज़ के बीच में थी, USSR एंड USA के बीच में। ये एक 13 डेज का कॉन्फ्रंटेशन था जो कि USSR एंड USA के बीच में चला था। कब से स्टार्ट हुआ था? 16 अक्टूबर 1962 में ये स्टार्ट होकर 29 अक्टूबर 1962 तक ख़त्म हुआ था। तो इसमें क्या हुआ था, इन अप्रैल 1961 जो लीडर थे USSR के, दे वर वरेड कि जो USA है वो क्यूबा पे इन्वेड ना कर ले और जो वहाँ के जो प्रेसिडेंट है उनको, फिदेल कैस्ट्रो, उनको ओवरथ्रो ना कर दे। तो क्यूबा क्या था, क्यूबा एक स्मॉल आइसलैंड नेशन था ऑफ द कोस्ट ऑफ यूनाइटेड स्टेट एंड जो USSR एंड क्यूबा है वॉज एन LA ऑफ सोवियत, ये क्या था, LA था सोवियत यूनियन का, और रिसीव करता था बोथ डिप्लोमेटिक और फाइनेंशियल एड USSR से। तो यहाँ के जो निकिता खुश्रेव थे, लीडर ऑफ सोवियत, उन्होंने डिसाइड किया कि वो कन्वर्ट करेंगे क्यूबा को एक रशियन बेस में। तो 1962 में, ताकि अमेरिका इस पर इन्वेड ना कर ले, तो इस वजह से 1962 में उन्होंने न्यूक्लियर मिसाइल प्लेस कर दी क्यूबा में, और इस मिसाइल की वजह से ही जो USA है वो ख़तरे में आ गया। क्योंकि लिखा ना, द इंस्टॉलेशन ऑफ दिस वेपन्स पुट द US फॉर द फर्स्ट टाइम अंडर द फायर फ्रॉम क्लोज रेंज एंड नियरली डबल द नंबर ऑफ बेसिस और सिटीज़ इन द अमेरिकन मेनलैंड विच कुड बी थ्रेटेंड। खतरा था USSR से इसको खतरा था, क्योंकि ये इसके डबल जो नंबर ऑफ बेसिस सिटीज़ हैं इसके बिल्कुल क्लोज रेंज में था, इसलिए ये जो है क्यूबन मिसाइल क्राइसिस बढ़ती गई। आफ्टर 3 वीक्स, जब सोवियत यूनियन ने यहाँ पे क्यूबा में वेपन्स को प्लेस किया था, न्यूक्लियर वेपन्स को, उसके आफ्टर 3 वीक्स के बाद अमेरिका को इसके बारे में पता चला था। तो जो अमेरिका के प्रेसिडेंट हैं जॉन एफ कैनेडी और उसके जो एडवाइजर्स हैं वो रेलक्लेंट टू डू एनीथिंग दैट माइट लीड टू फुल स्केल वॉर बिटवीन द टू कंट्रीज, बट वो चाहते थे कि जो खुश्रेव हैं वो वहाँ से मिसाइल्स को रिमूव कर ले, न्यूक्लियर वेपन्स को रिमूव कर ले क्यूबा से। तो कैनेडी ने क्या किया, कैनेडी ने ऑर्डर किया अपने अमेरिकन वॉरशिप को कि अगर आपको कोई भी सोवियत शिप्स आते हुए क्यूबा की साइड दिखे तो उन्हें रोको, इंटरसेप्ट, स्टॉप दे, कि उनको स्टॉप कर दो एनी हाउ। और उसके बाद उसको पता चले USSR के जो कोई भी शिप आए, कुछ भी आए, तो उसको पता चले कि अमेरिका कितना सीरियस है, अमेरिका के सीरियसनेस के बारे में उन्हें पता चले। अ क्लैश सीम्ड इमिनेंट एंड व्हाट केम टू बी नोन एज अ क्यूबन मिसाइल, ये जो क्लैश है इससे ही क्यूबन मिसाइल क्राइसिस कहते हैं। जो प्रॉस्पेक्ट था इस क्लैश का, आगे देखते हैं, जो प्रॉस्पेक्ट था इस क्लैश का मेड द होल वर्ल्ड नर्वस, इसकी वजह से जो पूरा होल वर्ल्ड है